हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम की तरफ से आने वाला लेटेस्ट लॉन्च क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G के साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का, और देखते हैं इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट से। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 लॉन्च हुआ है 11 अक्टूबर 2022 को, जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G लॉन्च हुआ है 23 नवंबर 2022 को। तो लॉन्च डेट के हिसाब से 1.5 महीने के आसपास का लेटेस्ट प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G। अब आते हैं सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोर्स पे। दोनों ही प्रोसेसर 64-बिट ऑक्टाकोर स्ट्रक्चर के साथ आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों ही प्रोसेसर में टास्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर दिया गया है। अब आते हैं सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस पे। यहाँ पर एक चीज़ दोनों में ही कॉमन है, दोनों प्रोसेसर पे ही 6 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। और ये तो हम लोगों को पता ही है कि कोई भी प्रोसेसर का फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होता है, प्रोसेसर उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है, हीट उतना कम होता है, और हम लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। तो इस मामले में दोनों प्रोसेसर बिल्कुल एक जैसा ही है। अब आते हैं सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोर्स पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है 2:6 का बिग लिटिल अप्रोच, जहाँ पर प्राइमरी का 2 कोर देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A78 के ऊपर, जहाँ पर क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है 2.6 गीगाहर्ट्ज़, और बाकी का 6 एफिशिएंट कोर वो देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A55 के ऊपर, मगर क्लॉक स्पीड यहाँ पर देखने के लिए मिलता है 2.0 गीगाहर्ट्ज़। 782G की बात करें तो यहाँ पर 1:3:4 का ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर प्राइमरी का 1 कोर देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A78 के ऊपर, और क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है 2.7 गीगाहर्ट्ज़। 3 कोर देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A78 के ऊपर ही, मगर यहाँ पर क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है 2.2 गीगाहर्ट्ज़, और बाकी 4 एफिशिएंसी कोर वो देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A55 के ऊपर, मगर क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है यहाँ पर 1.9 गीगाहर्ट्ज़। अब सीपीयू क्लॉक स्पीड के बारे में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G, क्योंकि यहाँ पर 4 कॉर्टेक्स A78 वाला कोर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर डायमेंसिटी 1080 पे हम लोगों को सिर्फ 2 कॉर्टेक्स A78 वाला कोर देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं जीपीयू पे, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है आर्म माली G68MC4 जीपीयू, जो कि एक 5 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ जीपीयू है और एक क्वाड कोर जीपीयू है, और जिसको क्लॉक किया गया है 950 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर। जहां पर स्नैपड्रैगन 782G की बात करें तो यहां पर देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम एड्रीनो 642L जीपीयू। ये वाला जो जीपीयू है 6 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ जीपीयू है, मगर कितने मेगाहर्ट्ज़ पे इसको क्लॉक किया गया है ये मेंशन नहीं किया गया है। ये वाला जो जीपीयू एड्रीनो 642L, ये 778G एंड 778G प्लस दोनों प्रोसेसर पे प्रीवियसली देखने के लिए मिला था, मगर यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो इसका ओवरक्लॉक वर्जन यूज़ किया गया है। तो क्वालकॉम की तरफ से बताया गया है कि 10% बेटर जीपीयू एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। अब स्कोर्स की बात करें तो एंटूटू पे डायमेंसिटी 1080 को देखने के लिए मिला है 135,000 पॉइंट्स के आसपास, जहां पर स्नैपड्रैगन 782G को देखने के लिए मिला है 187,000 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 50,000 पॉइंट्स के साथ यहां पर बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G। अब आते हैं कैमरा सपोर्ट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे हम लोग को डुअल ISP देखने के लिए मिलता है, जहां पर ISP का मतलब होता है इमेज सिग्नल प्रोसेसर, जहाँ पर डुअल कैमरा में 20+20 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा अगर यूज़ किया जाता है तो मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा का यूज़ किया जा सकता है, और MFNR और ZSL का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। MFNR का मतलब होता है मल्टी फ्रेम नॉइज़ रिडक्शन, एंड ZSL का मतलब होता है जीरो शटर लैग। स्नैपड्रैगन 782G की बात करें तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ट्रिपल ISP, जहाँ पर ट्रिपल कैमरा अगर यूज़ किया जाता है तो 22+22+22 मेगापिक्सल, अगर डुअल कैमरा यूज़ किया जाए तो 36+22 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा अगर यूज़ किया जाए 64 मेगापिक्सल तक, तो यहाँ पर मल्टी फ्रेम नॉइज रिडक्शन यानी कि MFNR और ZSL का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, एंड मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा का यूज़ किया जा सकता है इस प्रोसेसर के साथ, मगर MFNR और ZSL का सपोर्ट सिर्फ 64 मेगापिक्सल तक का ही देखने के लिए मिलता है। तो कैमरा सपोर्ट पे यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल ISP तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है 4K पे अप टू 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट, फुल HD 1080p वीडियो अगर रिकॉर्डिंग किया जाता है तो 60 FPS तक, HD 720p वीडियो अगर रिकॉर्डिंग किया जाता है तो मैक्सिमम 240 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। जहां पर स्नैपड्रैगन 782G की बात करें तो यहां पर 4K पे अप टू 60 FPS,
फुल HD 1080p वीडियो अप टू 120 FPS, HD 720p वीडियो अप टू 240 FPS तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, और दोनों ही प्रोसेसर के साथ स्लो मोशन एंड सुपर स्लो मोशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो कैप्चर एंड रेजोल्यूशन के मामले में भी यहाँ पर बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G, क्योंकि यहाँ पर 4K पे अप टू 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं मॉडेम सपोर्ट पे। MediaTek Dimensity 1080 पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम, जहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है 2.77 GBPS तक, एंड अपलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है मैक्सिमम 1.2 GBPS तक। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G की बात करें तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम X53 5G मॉडेम, जहाँ पर मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है 3.6 GBPS तक, एंड अपलोड स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है 1.7 GBPS तक। तो मॉडेम सपोर्ट के मामले में भी यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G। अब आते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 5G प्रोसेसर पे होना चाहिए, अपर मिड रेंज जो प्रोसेसर आ रहा है अभी, तो वो है MM वेव, जहाँ पर MediaTek Dimensity 1080 पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सब 6 GHz का ही 5G बैंड का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, MM वेव का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। जहाँ पर Snapdragon 782G पे हम लोगों को MM वेव एंड सब 6 GHz दोनों का ही सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, तो इस मामले में भी यहाँ पर बेटर निकल के आता है Snapdragon 782G। अब आते हैं डिस्प्ले सपोर्ट पे। दोनों ही प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑन डिवाइस फुल HD प्लस तक का ही डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि मोर देन इनफ होता है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेसर ही अपर मिड रेंज कैटेगरी के प्रोसेसर है। मगर जहाँ पर डिफरेंस है वो है रिफ्रेश रेट। MediaTek Dimensity 1080 पे हम लोगों को 120 Hz तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर Snapdragon 782G पे हम लोगों को मैक्सिमम 144 Hz तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो डिस्प्ले सपोर्ट में तो दोनों प्रोसेसर बिल्कुल एक जैसा ही है, मगर रिफ्रेश रेट के मामले में यहाँ पर बेटर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 782G। अब आते हैं रैम सपोर्ट पे। यहाँ पर एक चीज़ दोनों प्रोसेसर पे बहुत अच्छा है कि दोनों प्रोसेसर पे ही LPDDR5 तक का रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। MediaTek Dimensity 1080 पे अगर LPDDR5 रैम यूज़ किया जाता है तो मैक्सिमम 2750 MHz तक का रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है, और अगर LPDDR4X रैम यूज़ किया जाता है तो 2133 MHz 2133 MHz तक का रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है, और मैक्सिमम यहाँ पर 16 GB तक का रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 782G की बात करें तो यहाँ पर अगर LPDDR5 रैम यूज़ किया जाता है तो अप टू 3200 MHz तक का रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है, और अगर LPDDR4X रैम यूज़ किया जाता है तो मैक्सिमम 2133 MHz 2133 MHz तक का रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है, और इस प्रोसेसर के साथ भी हम लोगों को 16 GB तक का मैक्सिमम रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब रैम सपोर्ट के मामले में यहाँ पर स्लाइटली बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं स्टोरेज सपोर्ट पे। यहाँ पर मामला बिल्कुल एक जैसा ही है, दोनों ही प्रोसेसर के साथ eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1 तक का सारा स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं बेंचमार्क स्कोर्स पे। Antutu वर्जन 9 पे MediaTek Dimensity 1080 को देखने के लिए मिला है 526,732 पॉइंट्स, जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G को देखने के लिए मिला है 592,781 पॉइंट्स। तो लगभग 60,000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स के साथ यहाँ पर Antutu वर्जन 9 पे बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G। अब आते हैं Geekbench स्कोर्स पे। MediaTek Dimensity 1080 को सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 840 पॉइंट्स, एंड मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 2280 पॉइंट्स, 2280 पॉइंट्स के आसपास। जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G को देखने के लिए मिला है सिंगल कोर पर 860 पॉइंट्स, 860 पॉइंट्स, एंड मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 2870 पॉइंट्स, 2870 पॉइंट्स। तो सिंगल कोर एंड मल्टी कोर दोनों मामले में ही यहाँ पर बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G। अब आते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन पे, कौन सा प्रोसेसर कौन सा डिपार्टमेंट पे बेटर परफॉर्म किया। शुरुआत करते हैं यहाँ पर स्नैपड्रैगन 782G से। यहाँ पर CPU बेटर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 4A78 वाला कोर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर GPU भी बेटर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि 642L जो है ये बेटर GPU है G68MC4 से। उसके बाद यहाँ पर कैमरा सपोर्ट भी बेटर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर IISP तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर वीडियो सपोर्ट भी वीडियो कैप्चर एंड रेजोल्यूशन भी बेटर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर 4K अप टू 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। उसके बाद मॉडेम सपोर्ट भी यहाँ पर बेटर है, क्योंकि यहाँ पर अपलोडिंग स्पीड एंड डाउनलोडिंग स्पीड भी बेटर देखने के लिए मिलता है। उसके साथ इस प्रोसेसर पे MM वेब का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है।
उसके बाद यहाँ पर स्लाइटली बेटर रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, एंड रिफ्रेश रेट के मामले में भी यह प्रोसेसर बेटर है क्योंकि यहाँ पर 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करता है। तो आज का बैटल का रियल विनर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G। अब ये तो हो गया ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस, कौन सा फ़ोन पे ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा यही है मुद्दे की बात, जहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 जो है रियलमी 10 प्रो प्लस पे देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद रेडमी नोट 12 सीरीज़ जो चाइना पे लॉन्च हुआ था और इंडिया पे जो शाओमी 12i हाइपरचार्ज या 12i जो सीरीज़ पे आने वाला है उस फ़ोन्स पे देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ और भी बहुत सारा फ़ोन्स पे ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G हम लोगों को चाइना पे लॉन्च हुआ हुआवे ऑनर 80 पे देखने के लिए मिला है। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सा प्रोसेसर का कौन सा प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं, और वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।